माननीय मंडल सुरक्षा आयुक्त महोदय के निर्देशन में आने मऊ जंक्शन पर आने जाने वाली यात्री गाड़ियों को विस्फोटक पदार्थ तथा ज्वलनशील पदार्थ के मद्देनजर चेकिंग की जा रही थी कि गाड़ी संख्या 157-17 नवाज शरीफ गरीब नवाज को के आगमन के उपरांत जो है कोच संख्या S4 को चेक किया गया तो उसमें एक बोरा लावारिस हालत में दिखाई दिया, जिसमें यात्रियों से पूछताछ किया गया तो किसी ने अपना होना नहीं बताया, जिसको खोल करके और देखा गया तो उसमें कछुआ जीवित हालत में दिखाई दिए, जिसे उतार करके और मौके की कार्रवाई की गई तथा संबंधित विभाग को सूचित किया गया तथा उसे उन्हें सुपुर्द किया जा रहा है। कितना कछुआ था उसमें? कुल 31 अदद कछुआ जिंदा बरामद। नमस्कार, आप खबर देख रहे हैं यूपी जनपद मऊ की। उत्तर प्रदेश के मऊ जंक्शन के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF की चेकिंग के दौरान स्टेशन पर आई गरीब नवाज ट्रेन के स्लीपर कोच से 4 से 31 अदद कछुओं से भरा बोरे को बरामद किया गया। पुलिस ने जब कोच के यात्रियों से पूछा तो किसी ने भी कछुए से भरे बोरे को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद RPF ने कछुए से भरे बोरे को थाने ले आई और उसे मत्स्य विभाग के सुपुर्द कर दिया। बताते चले कि अजमेर से आने वाली गरीब नवाज ट्रेन जब मऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो RPF की टीम ट्रेन में ज्वलनशील एवं विस्फोट पदार्थ, तभी RPF की टीम को गरीब नवाज के S4 कोच में जिंदा कछुए बरामद हुए। में जानकारी की तो किसी ने भी बोरे को नहीं बताया। बोरे में 31 जिंदा कछुए RPF को बरामद हुए हैं। जिंदा कछुओं के मिलने पर RPF की टीम ने सभी कछुओं को अपने साथ थाने ले आई और उसे संबंधित विभाग को सुपुर्द कर दिया। कछुओं की कुल कीमत लगभग 60,000 रुपये तक बताए जा रहे हैं।